नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एक्वाटिक एडेप्टेशन इन मैमल, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्वाटिक मैमल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और इनमें एक्वाटिक एडेप्टेशन किस टाइप से होते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है एक्वाटिक एडेप्टेशन इन मैमल्स, जिसमें हम देखेंगे कि एक्वाटिक मैमल्स क्या होते हैं, इनमें किस टाइप से एक्वाटिक एडेप्टेशन होता है, तो देखते हैं। और क्वेश्चन का सबसे पहला हेडिंग है हमारा इंट्रोडक्शन टू द डिस्कशन, तो देखते हैं इसमें किस टाइप से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। मोस्टली मैमल्स टेरिस्ट्रियल होते हैं, ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं वो टेरिस्ट्रियल रीजन पर रहते हैं। मैमल्स वे होते हैं जिनमें मैमरी ग्लैंड एंड बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, बट फ्यू ऐसे मैमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पर हेयर एब्सेंट होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। बट फ्यू वाटर बॉडी में रहने के लिए मॉडिफाई हो गए, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो टेरिस्ट्रियल रीजन पर रहते हैं, बट कुछ ऐसे मैमल्स थे जो वाटर बॉडी जैसे शेर रिवर में रहने के लिए मॉडिफाई हो गए हैं, अतः इन्होंने एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ को अडेप्ट कर लिया है। ये वाटर बॉडी या एक्वाटिक रीजन में रहने के लिए अपने आप को क्या कर लिया, इन्होंने अडेप्ट कर लिया है, अनुकूल कर लिया है। बट ये एक्वाटिक मैमल्स गिल्स रेस्पायरेशन नहीं करते, जो एक्वाटिक रीजन में रहने वाले मैमल्स होते हैं वो गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन नहीं करते, जैसे फिश करती है गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन, और गिल्स से जो रेस्पायरेशन होता है उसे ब्रिंकायल रेस्पायरेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, बल्कि टेरिस्ट्रियल मैमल्स लाइक लंग्स द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं, जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं वो गिल्स से तो रेस्पायरेशन नहीं करते, बट जो टेरिस्ट्रियल रीजन पर रहने वाले मैमल्स होते हैं उन्हीं की तरह लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं, और लंग्स के द्वारा जो रेस्पायरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं, जिससे ये डिटरमाइन होता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, ये एक्वाटिक मैमल्स जो एक्वाटिक रीजन में रहते हैं पहले टेरिस्ट्रियल रहे होंगे, पहले ये टेरिस्ट्रियल रीजन पर रहते होंगे, जो ओनली फूड भोजन के लिए, शेल्टर आवास के लिए एंड अदर कंपटीशन के कारण, जैसे एनिमी से बचने के लिए, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, वाटर बॉडी रिवर से की तरफ माइग्रेट कर गए, उसकी तरफ मूवमेंट कर गए। आप सिंपली कह सकते हैं ऐसे मैमल जो एक्वाटिक रीजन के लिए अडेप्टेड होते हैं उन्हें एक्वाटिक मैमल्स कहते हैं। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग टाइप ऑफ एक्वाटिक मैमल्स, जिसमें हम देखेंगे कि जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखते हैं एक्वाटिक मैमल्स फॉलोइंग टाइप के होते हैं। नंबर वन है हमारा एम्फीबियस एक्वाटिक मैमल्स, नंबर टू कंप्लीट एक्वाटिक मैमल्स। नंबर वन पढ़ेंगे हम सबसे पहले एम्फीबियस एक्वाटिक मैमल्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्फी मीन्स होता है बोथ या दोनों, ऐसे एक्वाटिक मैमल्स जो एक्वाटिक रीजन या वाटर में भी रह सकते हैं और टेरिस्ट्रियल रीजन पर भी रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियस एक्वाटिक मैमल्स कहते हैं। तो देखते हैं इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं, ऐसे मैमल्स जो मेनली वाटर में नहीं रहते, ये केवल एक्वाटिक रीजन में ही नहीं रहते एंड डुअल लाइफ स्पेंड करते हैं वाटर सरफेस पर और लैंड सरफेस पर, अतः ये लैंड सरफेस वाटर बोथ में सर्वाइव करते हैं, ये लैंड सरफेस पर भी और बॉटम एक्वाटिक रीजन में भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वहाँ पर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, एम्फीबियस एक्वाटिक मैमल्स कहलाते हैं। ऐसे मैमल्स जो वाटर सरफेस एंड लैंड सरफेस पर अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं रहने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियस एक्वाटिक मैमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ऊटर, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है, ये वाटर सरफेस पर भी रह सकता है या एक्वाटिक रीजन में रह सकता है या लैंड सरफेस पर भी रह सकता है। बलरस, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का बलरस होता है जो टेरिस्ट्रियल रीजन एंड एक्वाटिक रीजन में भी रहता है, इसके जो टीथ होते हैं वो इसे आइस पर चलने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड हिप्पो
हिप्पोपोटेमस, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है हिप्पोपोटेमस। एक होता है हिप्पोकैम्पस, जैसे हिप्पोकैम्पस को भी आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं सेहॉर्स। और जो हिप्पोपोटेमस होता है उसे रिवर हॉर्स कहते हैं। बट जो हिप्पोपोटेमस होता है वो एम्फीबियस एक्वाटिक मैमल्स होता है। आगे देखते हैं, एम्फीबियस मैमल्स में पार्टियल अडेप्टेशन डेवलप हो जाते हैं। जैसे जो एम्फीबियंस मैमल्स होते हैं उनमें जगह जगह थोड़े थोड़े के होते हैं अडेप्टेशन होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर वन है प्रेजेंस ऑफ बेव डिजिट, इनकी जो डिजिट होती है उनमें बेव आ जाती है, बेव या झिल्ली होती है। नंबर टू फ्लैट टेल, इनकी बॉडी हो जाती है फ्लैट जिससे ये वाटर में इजीली स्विम कर सके। थ्री एक्सटर्नल स्मॉल ईयर, इनकी जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं वो स्मॉल होते हैं और पिन्ना भी पाए जाते हैं। अब है हमारा सेकंड हेडिंग कंप्लीटली एक्वाटिक मैमल्स। आप कंप्लीटली से समझ सकते हैं कि ऐसे मैमल्स जो परमानेंटली एक्वाटिक रीजन में या वाटर में रहते हैं। देखते हैं नंबर टू कंप्लीटली एक्वाटिक मैमल्स को, देखते हैं किस टाइप के होते हैं। ऐसे मैमल्स जो परमानेंटली एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्ट हो गए उन्हें कंप्लीटली एक्वाटिक मैमल्स कहते हैं। इसमें मैमेलिया के टू ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। ऐसे मैमल्स जो कंप्लीटली एक्वाटिक रीजन या वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं उन्हें कंप्लीटली एक्वाटिक मैमल्स कहते हैं। जिसमें मैमेलिया के दो ऑर्डर के जो एक्वाटिक मैमल्स है उन्हें इंक्लूड किया जाता है। नंबर वन और है सिटेशिया, नंबर टू ऑर्डर है सिरेनिया। सिटेशिया में फॉर एग्जांपल है डॉल्फिन, डॉल्फिन को इंक्लूड करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सील, सील को आप देख सकते हैं, और व्हेल, व्हेल को भी आप देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं और ये कंप्लीटली एक्वाटिक रीजन या वाटर में रहते हैं, होल लाइफ अपनी वाटर में ही स्पेंड करते हैं। नंबर टू है हमारा सिरेनिया, जिसमें डुगोंग को इंक्लूड करते हैं, जैसे आप इसे भी देख सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है अडेप्टेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स, देखते हैं किस टाइप से एक्वाटिक मैमल्स में अडेप्टेशन होता है। एक्वाटिक मैमल्स मेंबर ऑफ सिटेशिया एंड सिरेनिया जो कंप्लीट एक्वाटिक मैमल्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। में होने वाले एक्वाटिक अडेप्टेशन को फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिटेशिया एंड सिरेनिया के जो मेंबर हैं वो कंप्लीटली मैराइन होते हैं, मैराइन फॉर्म में रहने वाले एनिमल्स हैं। देखते हैं इनमें कौन कौन सी कैटेगरी है और किस टाइप से इनमें अडेप्टेशन होता है। नंबर वन है कैटेगरी मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, ओरिजिनल ऑर्गन होते हैं उनमें किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है। सेकेंड कैटेगरी में देखेंगे हम लॉस ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, इनके कुछ ओरिजिनल स्ट्रक्चर वेस्टिजियल हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। थर्ड में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि न्यू स्ट्रक्चर कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, देखते हैं इसमें किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है जो एक्वाटिक मैमल्स के ऑर्गन होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं उनमें। मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर में हमारा नंबर ए हेडिंग है बॉडी शेप, बॉडी का आकार, देखते हैं किस टाइप से इसमें अडेप्टेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ये फिश लाइक इलोंगेटेड स्ट्रेंड लैंड या बोट शेप्ड होती है। जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं जब उनकी बॉडी में मॉडिफिकेशन होता है तो उनकी बॉडी फिश लाइक हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है। स्ट्रेंड लैंड होती है तनाव, इसकी जो बॉडी है वो एकदम स्टैंड रहती है और बोट शेप्ड हो जाती है, एक नाव की तरह हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं व्हेल की बॉडी फिश लाइक होती है, इलोंगेटेड होती है और नाव की तरह मॉडिफाई हो जाती है। इनका हेड इलोंगेटेड, नेक एंड ट्रंक इलोंगेटेड होता है, इनका जो हेड है वो भी इलोंगेटेड होता है और नेक एंड ट्रंक के बीच में डिस्टेंस नहीं होती, ये भी इलोंगेटेड होते हैं। इनकी जो नेक होती है और इनका ट्रंक होता है उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है। इनकी स्ट्रेंथ लाइन बॉडी फ्रिक्शन या रेसिस्टेंस को सेवरल टाइम डिक्रीज करने में हेल्प करती है। इनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ होती है, तनाव होता है, वो
फ्रिक्शन घर्षण को या रेसिस्टेंस को सेवरल टाइम कुछ टाइम के लिए या कुछ हद तक उसे कम कर देता है, जिससे जो एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल है, मैमल्स हैं, उन्हें वाटर में स्विम करने या उन्हें क्रॉलिंग करने में हेल्प मिलती है। अब है हमारा सेकंड बी, लार्ज साइज बॉडी वेट। तो देखते हैं किस टाइप से इसकी साइज में एंड वेट में मॉडिफिकेशन होता है, अडेप्टेशन होता है। व्हेल की लेंथ 35 मीटर तक की बॉडी वेट 150 टन हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की व्हेल होती है, उसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है लगभग 35 मीटर तक होती है और उसका वेट 150 टन हो सकता है। जैसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, व्हेल होती है और ये एक्वाटिक मैमल्स होती है। आगे देखते हैं इसका लार्ज साइज, इसका जो लार्ज साइज है इसकी बॉडी पर लार्ज अमाउंट में फैट पाई जाती है जो जो हीट लॉस में हेल्प करती है एंड वेट फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और इसका जो वेट है वो घर्षण को क्या करता है, कम करता है, साथ साथ बाउंसी को मेंटेन करता है, इसकी जो उछलने की कैपेसिटी होती है उसे मेंटेन करता है। अब है हमारा हेडिंग सी फ्लिपर्स। तो देखते हैं फ्लिपर्स क्या होते हैं और ये किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं। इनके फोर लिम्स विदाउट फिंगर होते हैं, जो फोर लिम्स होते हैं इनके उनमें फिंगर्स नहीं पाए जाते। ये स्किन की थिक कवरिंग द्वारा कवर्ड होकर पैडल लाइक फिंगर में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिनको कहते हैं फ्लिपर्स कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, फोर लिम्ब होते हैं जो स्किन की थिक कवरिंग द्वारा कवर हो जाते हैं और फ्लिपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के होते हैं, पैडल लाइक फिंगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं ये एज ए बैलेंस एंड स्विमिंग के टाइम स्टेबिलिटी या क्राउलिंग मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और जो फ्लिपर्स होते हैं वो जो एक्वाटिक मैमल्स हैं उसे वाटर में बैलेंस बनाने के लिए एंड स्विम करने के लिए और बॉटम पर क्राउलिंग करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ये डायग्राम है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को देखेंगे किस टाइप से उनमें अडेप्टेशन हो रहा है। हमारा फ्लिपर कंप्लीट हुआ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है डी हाइपरडक्टाइल। तो देखते हैं किस टाइप से मॉडिफाई होते हैं। इनमें डिजिट्स एंड फिंगर का नंबर अबाउट 14 से 15 पहुंच जाता है। जो फ्लिपर्स होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फ्लिपर्स होते हैं उनमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो हाइपरडक्टाइल होते हैं और उनका नंबर 14 से 15 पहुंच सकता है या पहुंच जाता है। हाइपरडक्टाइल ड्यूरिंग स्विंग सरफेस पर मोर एरिया प्रोवाइड कराती हैं। जब उनकी फ्लिपर्स फैलते हैं तो ये उन्हें स्विंग करने के लिए मोर एरिया प्रोवाइड कराते हैं, जिससे ये ईजिली स्विंग कर पाते हैं। अब है हमारा हेडिंग ई, हाई सिंगल एंड मीडियम नोस्ट्रल। तो देखते हैं इसकी नोस्ट्रल में किस टाइप से मॉडिफिकेशन होता है। ये डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है, जो नोस्ट्रल होती है जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे वो डॉर्सल साइड पर ऊपर की साइड पर प्रेजेंट होती है और यहाँ भी देख सकते हैं आप नोस्ट्रल इस टाइप से डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इनका नोस्ट्रिल वॉल्वुलर होता है और जो मीडियम नोस्ट्रिल होता है सिंगल, उसमें वॉल्व लगे होते हैं जिससे ड्यूरिंग स्विमिंग ये क्लोज हो सकें एंड वाटर बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। जब ये स्विमिंग करे वाटर के अंदर हो तो जो वॉल्व है वो क्लोज हो सके, जिससे जो वाटर है वो बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। बट ये प्रोसेस इनके रेस्पिरेशन को ईजी बना देती है। जो वॉल्व की क्लोज एंड ओपन की प्रोसेस है वो इनके रेस्पिरेशन को क्या बना देती है, ईजी बना देती है, जिससे जो व्हेल है वो वाटर में ईजीली स्विम भी करती है, जब सरफेस पर आती है तो रेस्पिरेशन भी करती है। ये एनिमल रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो इनका नोस्ट्रल वाटर सरफेस से बाहर निकला होता है। जब व्हेल रेस्टिंग कंडीशन में होती है तो जो नोस्ट्रल वाला एरिया होता है वो वाटर सरफेस से ऊपर होता है, जिससे ये इजीली रेस्पिरेशन कर सके, जिससे ये
एटमॉस्फेरिक एयर को इंगल्फ कर सकती है। यहाँ पर हमारा मोस्टल भी कंप्लीट हुआ, अब है हमारे हेडिंग एफ, मेमेरी डक्ट। देखते हैं मेमेरी ग्लैंड किस टाइप से मेमेरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है या मॉडिफाई हो जाती है। इनमें मेमेरी ग्लैंड मेमेरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मेमेरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रेशन होता है। इनमें एक स्पेशल टाइप की मसल्स कंप्रेशन मसल्स प्रेजेंट होती है। जैसे ही ये प्रेस होती है, जो कंप्रेशन मसल्स है जैसे ही प्रेस होती है दबती है, मिल्क का सिक्रेशन डायरेक्टली यंग वंस के माउथ में पंप कर दिया जाता है। आगे देखते हैं इनका मिल्क सिक्रेशन डायरेक्टली यंग वंस के माउथ में पंप कर दिया जाता है। ये एक्वाटिक हैबिटेट का एक अडेप्टेशन है जो मिल्क फीडिंग को इजी बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से जो यंग वंस हैं वो मिल्क फीडिंग करते हैं। आगे देखते हैं अब हमारा हेडिंग है जी ऑब्लिक्यू डायफ्राम। तो देखते हैं किस टाइप का व्हेल का डायफ्राम होता है। ऑब्लिक्यू मीन्स होता है तिरछा, व्हेल में तिरछा डायफ्राम होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप का होता है। देखते हैं ये किस टाइप से मॉडिफाई होता है। इनका ऑब्लिक्यू डायफ्राम लंग्स के मोर एक्सटेंशन के लिए असेंटी होता है। जो तिरछा डायफ्राम होता है वो लंग्स के मोर एक्सटेंस यानी कि उसके विस्तार के लिए जरूरी होता है, जिससे इनकी थोरक्स कैविटी इनलार्ज हो जाती है और इनकी जो थोरक्स कैविटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है, इनलार्ज हो जाती है। हमारी बॉडी में डायफ्राम लंग्स के नीचे होता है, जिससे हमारी बॉडी को टू कैविटी में डिवाइड किया जाता है, एक नीचे वाली एब्डोमेन कैविटी एंड ऊपर वाली जो कैविटी होती है वो थोरक्स कैविटी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग एच टीथ। तो देखते हैं किस टाइप के टीथ होते हैं व्हेल के और किस टाइप से मॉडिफाई होते हैं। व्हेल में अबाउट 250 लगभग 250 होमोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं। होमो मीन्स होता है सेम, डोंट मीन्स होते हैं टीथ। जो व्हेल होते हैं उसमें सेम टाइप के टीथ होते हैं, इनसाइडर कैनाइन मोलर प्रीमोलर जैसे टीथ नहीं होते हैं, उसमें होमोडोंट टीथ पाए जाते हैं। अब है हमारा जो मोनोफायडोंट टाइप के होते हैं और इसमें जो टीथ होते हैं वो लाइफ में एक बार जर्मिनेट होते हैं। ये टीथ मॉडिफाई होकर फूड कैप्चरिंग ग्रिंडिंग में हेल्प करते हैं। अब होगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग लार्ज लंग्स एंड एंडोस्केलेटन। तो देखते हैं अब हमारा हेडिंग है आई लार्ज लंग्स। तो देखते हैं किस टाइप से इनके लंग्स में मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन होता है। इनके लंग्स लोब फ्लेक्जिबल होते हैं, इनके जो लंग्स होते हैं फेफड़े होते हैं वो लोब्ड होते हैं, उनमें एक से अधिक लोब पड़े होते हैं और लचीले होते हैं, जिसमें मोर एयर एंटर कर सकती है और इनकी जो एयर है उनमें बहुत ज़्यादा मोर क्वांटिटी में एयर एंड ऑक्सीजन एंटर करती है। जो वाटर में सस्पेंडेड रहने का अडेप्टेशन है, जिससे जो व्हेल है वो ज़्यादा टाइम तक वाटर में सस्पेंडेड रह सकती है। इनके लंग्स एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन भी फंक्शन करते हैं। हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन फंक्शन जैसे जब लंग्स में एयर फिल हो जाती है तो जो व्हेल की बॉडी है वो सेवरल टाइम हल्की हो जाती है, जिससे उन्हें स्विंग करने में भी हेल्प मिलती है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जे एंडोस्केलेटन। तो देखते हैं इनके एंडोस्केलेटन में किस टाइप की बोन्स होती हैं। इनका ब्रेन स्मॉल बट ब्रूड होता है, इनका जो ब्रेन होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से जो ब्रेन है वो स्मॉल होता है बट चौड़ा होता है, जिसे इनक्लोज करने के लिए स्कल भी स्मॉल एंड ब्रूड हो जाता है। और जो स्कल होता है जो ब्रेन को इंक्लूज करता है वो भी स्मॉल होता है और वो थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रूड होता है। जैसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, ब्रेन होता है और जिसे जो इंक्लूज करता है वो स्कल होता है। इनकी नेक डीएनलेट होती है और इनमें जो नेक है वो डीएनलेट होती है, नेक नहीं पाई जाती, इसीलिए वर्टिब्राई भी फ्यूज होकर सॉलिड मॉस फॉर्म करती हैं। और जो नेक की वर्टिब्राई होती हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं और सॉलिड मॉस की फॉर्मेशन करती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग सेकंड लॉस ऑफ ओरिजिनल
स्ट्रक्चर, हमारा जो फर्स्ट हेडिंग था मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सेकंड हेडिंग लॉस ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि जो एक्वाटिक मैमल्स हैं उनके जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन हैं वो कौन कौन से लॉस होते हैं मॉडिफिकेशन में या अडेप्टेशन के टाइम पर। तो देखते हैं, इनमें यूज ना होने के कारण फ्यू बॉडी स्ट्रक्चर का रिडक्शन हो जाता है। ये फॉलोइंग है, जब किसी ऑर्गन का यूज नहीं होता है तो वो धीरे धीरे वेस्टिजियल या रिड्यूस हो जाते हैं। देखते हैं इसमें किस टाइप के एडेप्टेशन या जो ऑर्गन है वो लॉस होते हैं। नंबर वन, इसमें बॉडी हेयर एब्सेंट हो जाते हैं। जो एक्वाटिक मैमल्स हैं कंप्लीट वाले, उनमें जो बॉडी पर पाए जाने वाले हेयर्स होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डॉल्फिन की बॉडी पर हेयर्स नहीं पाए जाते। आगे देखते हैं, इसीलिए इनकी स्किन स्मूथ एंड शाइनी दिखाई देती है, और इनकी स्किन होती है वो स्मूथ होती है, मुलायम होती है और चमकीली होती है। अब देखते हैं सेकंड, इनमें एक्सटर्नल ईयर एंड पिन्ना एब्सेंट होते हैं। जबकि हमने एम्फीबियंस एक्वाटिक मैमल्स थे उनमें जो ईयर थे एक्सटर्नल ईयर एंड पिन्ना वो प्रेजेंट थे, और जो कंप्लीट वाले एक्वाटिक मैमल्स हैं उनमें एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। अब है हमारा थर्ड, इनमें लैक्रिमल ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बट ये वाटर में फंक्शनल नहीं होती। लैक्रिमल ग्लैंड टीयर ग्लैंड होती हैं। जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं कंप्लीट वाले उनमें लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट तो होती है बट वो फंक्शनल नहीं होती। सेबेसियस ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है, जिसे ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी फंक्शनल नहीं होती। अब है हमारा फोर्थ, में हैवी बॉडी के कारण स्किन में प्रेजेंट मसल्स का रिडक्शन हो जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो हैवी होती है, वेट भी हैवी होता है एंड इनकी लेंथ भी हैवी होती है, जिससे जो स्किन में प्रेजेंट मसल्स होती हैं उनका रिडक्शन होने लगता है, और वहाँ पर जो फैट है वो लार्ज अमाउंट में अरेंज हो जाता है या स्टोर हो जाता है। अब देखते हैं आगे, फिफ्थ, इनमें हाइंड लिम्ब्स वेस्टिजियल होते हैं। इनके जो हाइंड लिम्ब्स होते हैं वो वेस्टिजियल फॉर्म में होते हैं, शेष फॉर्म में होते हैं या एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं। जो फोर लिम्ब होते हैं वो फ्लिपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइंड लिम्ब्स क्या होते हैं, नो हाइंड लिम्ब्स वेस्टिजियल फॉर्म में होते हैं या एब्सेंट होते हैं। अब है हमारा थर्ड हेडिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि जो एक्वाटिक मैमल्स हैं उनमें अडेप्टेशन के दौरान या अडेप्टेशन के टाइम पर कौन कौन से न्यू स्ट्रक्चर बनते हैं। तो देखते हैं, इनमें कुछ असेंटियल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है जो फॉलोइंग है। तो देखते हैं कौन कौन से न्यू स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। अब है हमारा हेडिंग एक टेल फ्लूक। तो देखते हैं किस टाइप की इसकी टेल होती है और किस टाइप से मॉडिफाई हो जाती है। ये टेल को एज ए कॉडल फिन कवर करते हैं। इनकी जो टेल होती है वो कॉडल फिन में कन्वर्ट हो जाती है, बट ये लेटरल या हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन प्रोवाइड कराते हैं। इसकी जो कॉडल फिन है टेल है वो लेटरल साइड पर और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल साइड पर ही कुछ स्पेस को क्या करती है, असेंटियल करती है या प्रोवाइड कराती है। इनमें फिन रे एब्सेंट होते हैं, जैसे फिश की जो कॉडल फिन होते हैं फिन्स होते हैं उनमें फिन रे होते हैं हार्ड एंड स्मूथ वाली, यहाँ पर जो फिन रे हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं। ये वाटर में अप एंड डाउन मूवमेंट कॉज करने में हेल्पफुल होते हैं। टेल फ्लू एक्वाटिक मैमल्स के लिए अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का डॉल्फिन का टेल फ्लूक होता है, आप देख पा रहे हैं इस टाइप से। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, अब हमारा हेडिंग है बी ब्लूबर। देखते हैं किस टाइप का मॉडिफाई न्यू स्ट्रक्चर या ऑर्गन होता है। ये फैट की थिक कवरिंग होती है, जो ब्लूबर होता है जहाँ पर मोर क्वांटिटी में फैट कलेक्ट होती है, अरेंज होती है, जिससे एक थिक कवरिंग बन जाती है, जिसे ब्लूबर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, ब्लूबर रीजन होता है, यहाँ पर फैट मोर क्वांटिटी में अरेंज हो जाती है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं ब्लूबर।
जो हीट लॉस को कंप्लीट करती है, और बॉडी की जो हीट होती है इसके द्वारा लॉस कर दी जाती है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में फूड एंड वाटर का एक रिजर्व प्रोवाइड कराती है। जब एक्वाटिक मैमल्स के लिए फूड की वाटर की कमी हो जाती है तो यहीं से उसकी बॉडी के लिए फूड एंड वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। फ्रेंट वाटर में बाउंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन में भी हेल्प करती है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग सी, बैलिंग। तो देखते हैं बैलिंग किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें तीर्थ जनरली एफ्रेंट होते हैं, जिनमें बैलिंग प्रेजेंट होते हैं उन व्हेल को बैलिंग व्हेल कहते हैं, और जिन व्हेल में टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें टूथेड सी बैलिंग। तो देखते हैं किस टाइप के बैलिंग स्ट्रक्चर होते हैं। बैलिंग एक टाइप की व्हेल होते हैं, जिनमें बैलिंग प्रेजेंट होता है उन्हें वैलिंग व्हेल कहते हैं, और जिनमें वैलिंग की जगह टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें टूथेड व्हेल कहते हैं। देखते हैं वैलिंग किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें टीथ जनरली एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनमें बैलिंग प्रेजेंट होते हैं। अपर जॉ के ऑल टीथ डेवलपमेंट स्टेज में फ्यूज होकर एक ट्रायंगुलर हर्नी बैलिंग प्लेट की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप से क्या होती है, बैलिंग प्लेट्स बन जाती हैं, और यहाँ पर जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जो ट्रांसवर्सली अरेंज होती हैं, पूरे माउथ में ट्रांसवर्सली अरेंज होती हैं बैलिंग। इनका काम फूड करंट को फिल्टर करने का होता है। जैसे ही फूड पार्टिकल वाटर करंट के साथ आते हैं उन्हें बैलिंग प्लेट्स के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है और उन्हें इंगल्फ कर लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग डी, मेलन। मेलन वैसे फ्रूट होता है, यहाँ पर जो मेलन है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन्स होता है बॉलर या गेंदबाज। तो देखते हैं ये किस टाइप का ऑर्गन होता है। ये नोस्ट्रल के जस्ट नियर प्रेजेंट एक फैट बॉडी होती है। जहाँ पर नोस्ट्रल होती है यहाँ पर फैट इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है या अरेंज हो जाता है, जिससे एक फैट बॉडी बन जाती है जो एज ए रिसेप्टर फंक्शन करती है। और जिन व्हेल में मेलन होता है उन्हें मेलन हेडेड व्हेल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है, इनके आगे यहाँ पर जो फैट है वो इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं ये वाटर में प्रोड्यूस होने वाले चेंजेबल प्रेशर को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। जो मेलन होती है फैट बॉडी होती है वो। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग ई, हार्डनिंग ग्लैंड, जिसे कठोर ग्रंथि भी कहते हैं। तो देखते हैं ये किस टाइप की होती है और किस टाइप का इसका मॉडिफिकेशन होता है और ये किस टाइप से फंक्शन करती है। इनमें आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल ट्रांसपेरेंट मटेरियल का सिक्रेशन होता है हार्डनिंग ग्लैंड के द्वारा, जो लिपिड एंड पोरफायरिन रिच होता है। जो मटेरियल होता है ट्रांसपेरेंट उसमें लिपिड फैट होती है एंड पोरफायरिन की जो क्वांटिटी होती है वो रिच होती है, लार्ज अमाउंट में होती है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।